मैं आपका इश्यू समझ रहा हूँ सर, आप समझ रहे हैं सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे जी, कोई तीसरा आदमी देखने वाला नहीं, कमाने वाला एक जी, इसी गाड़ी पे विश्वास था जी, यही मेरे को धोखा दे रही है सर। सर बहुत परेशान हूँ मैं, इसलिए मैंने हर टेंशन लो आपके, हर जगह मैंने बात कर ली जी, हर हर कंपनी का हर उस बंदे से मैंने बात कर ली जी, हर छोटे से छोटे बंदे से, हर किसी से मैंने बात कर ली जी, मेरा कोई हल नहीं जी, कोई कुछ नहीं जी, कोई कोई नहीं जी, इतनी बड़ी कंपनी जी। दोस्तों, इंसान गाड़ी खरीदता है कि उससे दो पैसे कमाएगा, अपना घर परिवार पालेगा, अच्छी सी सुकून की जिंदगी बिताएगा। लेकिन सभी गाड़ी मालिक जानते हैं और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग भी जानते हैं कि उन्हें कितनी शांति मिलती है या कितना सुकून मिलता है। आज इस प्रोग्राम लॉरी में हम जिस शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं, उसकी दास्तान सुनकर हो सकता है आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं, आपकी आंखें नम या आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है उनके साथ। क्या हुआ उनके साथ, कैसी गुजर रही है उनकी जिंदगी, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी की तरफ से बनाई गई पहले इस एड को देखिए। क्या चल रहा है भाई? ओ आओ जी, ओ ये लोग पूछ रहे हैं कि नया ट्रक खरीदते समय किस बात की फिक्र सबसे ज्यादा होती है। फिक्र? हाँ, चिंता बिल्कुल नहीं जी, ना प्रॉफिट की, ना कंफर्ट की और ना सेफ्टी की। मैंने तो नया ट्रक भी खरीद लिया, महिंद्रा फ्यूरियो। कुछ ऐसे ही होते हैं महिंद्रा फ्यूरियो खरीदने वाले, महिंद्रा फ्यूरियो, ज्यादा प्रॉफिट गारंटी के साथ, नहीं तो कर दीजिए ट्रक वापस। देखा आपने, ये एडवर्टीजमेंट है महिंद्रा कंपनी की, महिंद्रा की गाड़ी है महिंद्रा फ्यूरियो, उसको लेकर ये प्रचार किया गया है। लेकिन हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। मैंने ग्लोबल ऑटोमोबाइल रोहतक से महिंद्रा फ्यूरियो गाड़ी ली। ये गाड़ी ने मुझे इतना प्रॉब्लम में कर दिया, कि मेरी जिंदगी तबाह कर दी इस गाड़ी ने। जब मैंने ये गाड़ी ली थी, इसमें स्टेयरिंग के नट में प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद इसके ब्रेकों में दिक्कत आ गई, फिर इसके बाद अभी 3 साल के अंदर अंदर इसका 4 बारी इंजन बन चुका है, इस गाड़ी का 4 बारी। लेकिन सारी सर्विस टाइम टू टाइम करवाई हुई सब कुछ, लेकिन कंपनी पे इसका कोई इलाज नहीं हुआ। मैं कंपनी के अंदर ये जब से ली है आज तक कंपनी के अंदर अंदर ही ये लगभग 120-130 दिन तो कंपनी के अंदर अंदर ही खड़े हो गए, और बाहर खड़े खड़े तो परेशान ही कर दिया। 1 साल तो मेरी गाड़ी ये ऐसे ही खड़ी रही। मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं छोड़ी जो मैंने ये गाड़ी, किसी भी ऑल इंडिया की कोई कंपनी मैंने नहीं छोड़ी महिंद्रा की, जिस कंपनी में मैं नहीं गया हूँ इस गाड़ी की प्रॉब्लम दूर करवाने के लिए। लेकिन इस गाड़ी की कोई प्रॉब्लम आज तक दूर नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ सर, इस गाड़ी से बहुत परेशान हूँ। 456 महिंद्रा की फ्यूरियो गाड़ी, मैंने महिंद्रा को भी ट्वीट किया 6 जनवरी को कि मेरी गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने ऑल इंडिया के सबसे बड़े से बड़े महिंद्रा कंपनी के मैनेजर से भी बात कर ली, हरियाणा के सबसे बड़े से बड़े, मैंने इतनी हर जगह इतने कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे मोबाइल में महिंद्रा कंपनी के, लेकिन मेरी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। महिंद्रा फ्यूरियो की एडवर्टीजमेंट और जमीनी हकीकत आपने दोनों देख ली, कहा क्या जाता है लेकिन हो क्या रहा है आपके सामने है। चलिए आपको बताते हैं असली मसला है क्या। वीरेंद्र हैं जींद हरियाणा के रहने वाले, जिन्होंने 2020 में महिंद्रा फ्यूरियो गाड़ी खरीदी। इसी तरह के प्रचार से प्रभावित होकर उन्होंने गाड़ी ले ली। 5 साल की गारंटी, 5 लाख किलोमीटर तक की गारंटी, आरामदायक गाड़ी, ये सब सुना, इस प्रचार से प्रभावित हुए उन्होंने गाड़ी खरीद ली कि अब तो जिंदगी सफल हो जाएगी, सुकून भरी गुजरेगी, पैसे भी कमा लेंगे। लेकिन 2020 में गाड़ी खरीदी और लगभग 3 साल के अंदर अंदर उनका मानना है कि उनकी जिंदगी इस गाड़ी को खरीदने के बाद नरक हो गई है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले इनकी गाड़ी का कुछ स्टेयरिंग खराब हुआ था, जो कि गाड़ी लेने के 1-2 महीने बाद ही हो गया था, और पहली सर्विस में उन्होंने दिखाया, चेक भी करवा लिया, वो संतुष्ट हो गए कि चलिए कंपनी वालों ने सुनवाई कर ली। इनका कहना है कि पहली सर्विस 60,000 पर, दूसरी 1,20,000 पर और तीसरी 1,80,000 पर होनी थी, 2 लाख किलोमीटर चलने तक। लेकिन अभी तक उनकी गाड़ी
लगभग 20 से 25 बार एजेंसी में जा चुकी है, अलग अलग वर्कशॉप में जा चुकी है, जहां पर 8-8, 10-10 दिन गाड़ी खड़ी रही। 4 बार अब तक इनकी गाड़ी का इंजन खुल चुका है, और जब इंजन खुलने गई गाड़ी तो लगभग महीना महीना भर गाड़ी एजेंसी में ही खड़ी रही। रोहतक के ग्लोबल ऑटोमोबाइल से इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, उनसे लगातार इनका रابطہ होता रहा, संपर्क होता रहा है, और इनका कहना है कि पूरे देश की लगभग हर एजेंसी में ये अपनी गाड़ी दिखा चुके हैं, ठीक करवा चुके हैं। स्क्रीन पर चल रहे इन कॉन्टैक्ट नंबर को देखिए, जो लगभग महिंद्रा के हर सदस्य का है। इन्होंने लगभग 80 से ज्यादा लोगों से संपर्क कर लिया है। देख रहे हैं सिर्फ महिंद्रा 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 लिखा हुआ है। कोई मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई जोनल हेड है, लगभग सब से ये बात कर चुके हैं। इन्होंने बताया कि हाल ही में 16 जनवरी 2023 को गाड़ी में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इन्होंने जोनल हेड से बात की। आइए उनकी बातचीत के कुछ अंश यहाँ सुन लेते हैं, जिसको सुनने के बाद हमें यकीन है आपकी आंखें नम हो जाएंगी। हाँ जी वीरेंद्र। हाँ हाँ नमस्कार सर जी। हाँ जी देखा जी प्रोसीजर जी मेरी गाड़ी का जी। हाँ जी हाँ जी एक वीरेंद्र सिंह देखा है, वो टीम काम कर रही है उसके ऊपर, आपके पास क्लोजर के लिए आएगा वो। महिंद्रा के साथ साथ चल के सोचा था मेरी जिंदगी सुधर जाएगी महिंद्रा के साथ, लेकिन मेरी तो और बेहतर हो गई जी। मैं एक बारी को करके आपके आपके समक्ष आएंगे सर। सर समक्ष पता क्या जी, कसम से जी हर बार मैं मेरी आंखों के आंसू रोकता हूँ जी, हर बार मेरे को रोना आता है जी गाड़ी पे, हर बार मैं आंसू रोक लेता हूँ जी, फिर भी कोशिश करता हूँ नहीं रुकते जी। मैं आपका इश्यू समझ रहा हूँ सर, आप समझ रहे हैं सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे जी, कोई तीसरा आदमी देखने वाला नहीं, कमाने वाला एक जी, इसी गाड़ी पे विश्वास था जी, यही मेरे को धोखा दे रही है सर। सर बहुत परेशान हूँ मैं इससे, मैंने हर सर टेंशन ना लो, आपके हर जगह मैंने बात कर ली जी, हर हर कंपनी का हर उस बंदे से मैंने बात कर ली जी, हर छोटे से छोटे बंदे से हर किसी से मैंने बात कर ली जी, मेरा कोई हल नहीं जी, कोई कुछ नहीं जी, कोई कोई नहीं जी, इतनी बड़ी कंपनी जी, ऊपर से मेरे को किस्त वाले परेशान घर पे जी, लोगों से पैसा उठा के, कंपनी के अंदर ही गाड़ी इतने दिन खड़ी रही, 3 किस्त तो मेरी कंपनी के अंदर ही टूट गई जी, जब कंपनी के अंदर ही इतने दिन खड़ी जी, बाहर भी तो खड़ी होगी जी वो खराब जी, मेरे लेके आया जी, कैसे कर रहे हो जी, मेरे को कोई समझने वाला नहीं है जी, परेशान हो गया जी, मैं परेशान हो गया जी, बिल्कुल परेशान हो गया जी, मैं हर कहीं पे भी बिल्कुल लास्ट चांस चल रहा जी मेरा। मैं आपको करवा के देते हैं वीरेंद्र जी, आपके साथ बात करके आपको करवा के देता हूँ, शुरू किया। सुना आपने, रोना तक आ गया इस गाड़ी मालिक को, इस गाड़ी को खरीदने के बाद गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए, कह रहे हैं कि उनके पास एक ही जरिया है, आखिर अब वो करें क्या, अगर इतने इतने दिन गाड़ी खड़ी रह जाएगी एजेंसी में तो कमाएंगे क्या, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। इनका कहना है कि अगर इस तरह का प्रचार किया जा रहा है तो ये गाड़ी वापस क्यों नहीं ली जा रही। इन्होंने बताया कि इस जोनल हेड से बात करने के बाद जब दोबारा उनके नंबर पर संपर्क कर रहे हैं तो वो भी फोन नहीं उठा रहे। थक हार कर तंग आकर इन्होंने ट्वीट पे ट्वीट किए, आनंद महिंद्रा तक को ट्वीट कर दिया। देखिए कितने सारे ट्वीट इन्होंने किए हैं। इन ट्वीट्स के बाद भी इनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। इनका मानना है कि महिंद्रा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हो सकता है ये एजेंसी वाले वर्कशॉप वाले बीच में जो आ रहे हैं, ये अपना मुनाफा ये अपना फायदा देख रहे हैं। उन्होंने आरोप तक लगाए हैं कि इतने इतने दिन गाड़ी खड़ी रह गई, ये तक वादा किया जाता है अगर 36 घंटे गाड़ी खड़ी रही तो 3000 प्रति घंटे के हिसाब से इनको कंपनसेशन मिलेगी, वो भी नहीं मिली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वो शायद मिली हो, एजेंसी वालों ने रख ली हो। अब स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए, ये मध्य प्रदेश की वीडियो है, यहाँ एजेंसी में एक शख्स खड़ा है, इन्होंने भी महिंद्रा फ्यूरियो गाड़ी खरीदी है, जो इनके ही जानकार है, उनके साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने भी दिखाया कि किस तरह महिंद्रा फ्यूरियो की गाड़ी लाइन से यहाँ लगी हुई है और एक ही जैसी समस्या आ रही है। अब वीरेंद्र का क्या होगा जो दर दर भटक रहे हैं, कभी रीजनल हेड, कभी जोनल हेड, कभी मैनेजर, आनंद महिंद्रा तक की ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई समाधान नहीं मिला। अब देखना यह है कि इनका संघर्ष कितना लंबा चलता है, क्या इन्हें उस प्रचार के हिसाब से फायदा मिलेगा जिसमें कहा जा रहा है कि अगर फायदा ना हो, गाड़ी फायदा ना दे रही हो तो गाड़ी को वापस कर दें, तो क्या इनकी गाड़ी वापस ली जाएगी या इसी तरह दर दर भटकाया जाएगा। कंपनी के दावों के हिसाब से तो इनकी गाड़ी वापस होनी चाहिए, लेकिन अब देखेंगे कि होता क्या है।
दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि वीरेंद्र को इंसाफ मिलेगा? वीरेंद्र जो दर दर भटक रहे हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 2400 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 9831 9831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।